हरे कृष्णा अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 36 अवच्य वदंश बहुन वदिष्यन्ति तव हितः निन्दन्तस्तव समर्थयम् ततो दुःखतरं नु किम्। इसका अर्थ, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दयाभाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दयाभाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, इस श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि तुम जो अपने शत्रु हो, अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वो जो वर्णन करेंगे, तो तुम उसको कैसे सहन कर पाओगे। क्योंकि अर्जुन साधु पुरुष था तो वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जबकि जो दुष्ट लोग हैं, शत्रु लोग हैं, वो तो यही समझते कि हाँ, ये तो हार के हमसे डर के भाग गया। तो इसका जो दया भाव अपने शत्रु के तरफ था, मगर शत्रु के मन में वैसा कोई भावना था ही नहीं। अगर वो जान भी लेते तो वो उसका उपयोग कर लेते, फ़ायदा उठाते और उसको सुनाते कि देखो देखो, ये तो युद्ध भूमि से भाग गया। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम रॉन्ग सिंपति दिखा रहे हो, राइट सिंपति नहीं दिखा रहे हो। ये संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ राइट सिंपति दिखाना होता है वहाँ नहीं दिखाते हैं, जहाँ नहीं दिखाना होता है वहाँ दिखाते हैं। कहाँ? इट्स कॉल्ड रॉन्ग सिंपति। इस श्लोक पे मुझे बहुत पुरानी एक बात याद आ गई। बचपन में मैंने एक सत्संग सुना था एक साधु के मुख से, तो वो बता रहे थे इसी संदर्भ में कि कैसे हम चूक करते हैं और अच्छी चीज़ को नकारते हैं और बुरी चीज़ को अपनाते हैं। बात फॉरेन कंट्री की थी, अभी जगह की नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, मगर आई थिंक कनाडा की बात थी, शायद कनाडा में कहीं ऐसे हुआ था। तो वो बता रहे थे वहाँ पे कोई सीरियल किलर था, जो भी देश हो, जो भी जगह हो, वहाँ पे एक सीरियल किलर था। वो सीरियल किलर ने बहुत बेरहमी से बहुत सारे लोगों को मारा था, खास करके बच्चे और औरतों को मारा था। उसने टारगेट थी उसकी ऐसे लोगों को मारना। जब वो पकड़ में आया और उसको कारावास की सुनवाई हुई और अंत में उसको जब उसकी वर्डिक्ट आई, फाइनल वर्डिक्ट आई, जजमेंट आई, तो घोषणा कर दी जज ने कि इसको फांसी पे लटकाया जाएगा, ही विल बी सेंटेंस टू डेथ। तो ये जो वर्डिक्ट था वो बहुत फेमस हो गया था उस टाइम पे। तो उसके इस पे लोग प्रतिक्रिया करने लगे वहाँ के, उन्होंने जज के डिसीजन पे हाहाकार कर दी। उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप एक इनोसेंट पर्सन को जानबूझ के सेंटेंस टू डेथ कैसे दे सकते हो, उसको भी जीने का अधिकार है, आप उसको कैसे मृत्यु दंड दे सकते हो। तो इस पे वहाँ की प्रशासन हैरान हो गई कि लोग ऐसे कैसे ही कर सकते, जबकि ये जो सीरियल किलर था वो मेंटली सिक था, वो ऐसे लोग थे, लोगों में से था जो मतलब जो सोशल लोग होते हैं उनमें बिल्कुल मिसलित नहीं हो सकते हैं, दे वेर वेरी डेंजरस। उनकी जो मेंटालिटी है बहुत ही खतरनाक मेंटालिटी होती है, जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं जैसे मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, जो तीन गुण हैं उसमें से मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो होते हैं वो बहुत बहुत भयानक होते हैं, क्योंकि उनको किसी के प्रति सद्भावना नहीं होती है। इवन वो कोई पैशनेट मतलब कुछ कार्य करना है, उसको पैशनेट मतलब करना है ऐसा नहीं, मतलब अंधकार में जी रहे हैं।
टोटल अज्ञान में है, ना ही उनको अच्छे चीज़ की ज्ञान है, ना कुछ करने का उनमें चाह है, बस उनको ऐसे लोगों को, दूसरों को तकलीफ देना है, निर्दोष प्राणियों को हत्या करना है, बस अपनी ही बारे में सोचना है। और उससे भी कभी कभी बढ़कर कुछ होते हैं, बहुत ही राक्षसी वृत्ति वाले होते हैं, जिनकी बहुत 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 दुष्ट सोच होती है। तो भगवान खुद बताते हैं शास्त्र में कि ऐसे लोगों को वो कभी नहीं वो पहुंच सकते भगवान तक। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, उनकी मेंटालिटी ही बहुत सिक होती है। तो वहाँ के जो ये थे, प्रशासन थे, उन्होंने कहा जो जो चाहते हैं कि इसको फांसी की सज़ा ना मिले, वो आगे आ जाए, और वो सब जो फैमिलीज इसको चाहते हैं कि इसको वर्डिक्ट ना मिले सेंटेंस टू डेथ की, आप इसको एक एक हफ्ता अपने अपने घर में लेके जाके रख लीजिए, तब आपको पता चलेगा इसकी मेंटालिटी कैसी है। ये सोशल, हमारी जो सोसाइटी में रहने जैसे नहीं है उसकी सोच, उसकी सोच जो है क्रिमिनल मेंटालिटी है, वो सिर्फ मारने का ही सोचता है, क्योंकि ही इज़ अ सीरियल किलर। जो सीरियल किलर रहते हैं दोस्तों, वो बिना वजह उनकी टारगेट होती है ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने की, दे आर वेरी मेंटली सिक। तो ये लोग गलत, रॉन्ग सिंपति दिखा रहे थे, रॉन्ग पर्सन के तरफ। तो प्रशासन ने ठान ली, ठीक है चलो आप लेके जाओ। तो इससे लोग, जब लोगों को पता चला कि वो मेंटली सिक है एंड ही इज़ अ वेरी डेंजरस किलर, तो वो मान गए बात, और दे जस्ट बैक्ड आउट, दे डिडंट कम फॉरवर्ड। ऑब्वियसली जब उसकी समझ में, जब असली बात समझ में आती है, तो कौन भैया उसको घर लेके जाएगा, जबकि सीरियल किलर है, एक एक करके चुन चुन के उसके ही घर के लोगों को मार डालेगा। तो यहाँ पे बात हमें समझने लायक ये है दोस्तों, कि जहाँ सिंपति दिखाना है, आस्तीन का सांप, जैसे कहावत है हिंदी में, आस्तीन का सांप आप पालोगे तो वो आपको डसेगा ही। ऐसे आप पालोगे, आजकल लोग दिखाते हैं जानवरों को पालते हैं, कुछ लोग सांप को भी पालते हैं, फिर ये भी सुनाई देता है, ये सुनाई क्या देता है, देखा भी गया है, एक डिस्कवरी चैनल पे एक बंदा था जो सांप बिच्छू और क्रोकोडाइल्स के बीच में रहता था, एलिगेटर्स के बीच में रहता था, और वो उनको ही, मतलब उनके साथ ही रहन सहन उसका बहुत कुछ था ऐसे उस टाइम पे, आपने देखा भी होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम आ गया कि एक सांप के डसने से वो खुद, वो इंसान मर गया। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को करने का क्या मतलब है जिसमें कोई लाभ ना हो, कोई बात ही ना हो। ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट इन दिस वे। वो अगर ऐसे सब पागलपंती का काम करना है तो जानवर की योनि तो ऑलरेडी उपलब्ध है, उसमें आप आराम से कर सकते हो। तो इंसान का जीवन भगवान हमें क्यों देते हैं, क्योंकि इंसान का जीवन इन सब योनियों से उच्च है, उसको सोचने की क्षमता है, उसको समझने की क्षमता है, और उस प्रकार एक्ट करने की, प्रक्रिया करने की, कार्य करने की उसको भगवान ने छूट दी है। तो हम उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, उस प्रकार से हम जीते हैं जानवरों जैसे, तो हमको जानवरों की ही योनि देंगे। प्रकृति समझ जाएगी, हाँ ये भैया, इसको जानवर की ज़्यादा पसंद है रहना, रहन सहन, तो इसको जानवर का शरीर दे देते हैं। इस प्रकार ये ऐसी बात है कि हमें रॉन्ग सिंपति नहीं दिखाना है, सोच समझ के काम करना है। और एक एक कथा आती है दोस्तों पुराणों में, एक बार की बात है, दो दोस्त थे, एक हंस था एक कौवा था। हंस ने कौवे को बोला कि मैं हिमालय में एक स्थान पर गया जो कि बहुत सुंदर था, तुम वहाँ बहुत स्वच्छ रस जैसे कि पानी पी सकते हो। होता है ना दोस्तों, हिमालय के बारे में हमने सबने सुना है, हिमालय के सुंदर सुंदर वादियाँ, उधर सुंदर सुंदर जो हमें पता नहीं है, ऐसे ऐसे जगह है इस दुनिया में जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस कथा में वही बताया गया है। तो हंस कौवे को बोल रहा है, तुम बहुत ही सरदार फलों का स्वाद, रसदार फलों का स्वाद ले सकते हो। वहाँ तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हैं जिससे चारों ओर खेल सकते हो। आओ वहाँ चलते हैं। ऐसे हंस उसको
रिझा रहा था कौवे को कि चलो चलो, जैसे भक्त लोग सामान्य लोगों को बोलते हैं ना, चलो चलो ये सब क्यों कचरे के ढेर में पड़े हो, ये सब छोड़ो, नॉनवेज खाना छोड़ो, ये अनीति काम करना, भजन कीर्तन करो, कृष्ण को अपना सब कुछ मानो और हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करो, सब ठीक हो जाएगा और अंततः गत्वा हम अच्छे संसार में, अच्छे इसमें जीवन जी सकते हैं। तो कौवा क्या बोल रहा है इस पे? अच्छा, तुमने जो कुछ वहाँ देखा वह बहुत अच्छा था, परंतु क्या वहाँ कचरे के कूड़े हैं जहाँ मैं नरम नरम चूहों को ढूंढ पाऊँगा? तो इस पे हंस आश्चर्यचकित होकर बोला, बिल्कुल नहीं। कौवा बोला, क्या उस झील में केकड़े हैं जिन्हें खाकर मैं अच्छी दावत कर सकता हूँ? हंस बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौवा इस पे बोलता है, तो यह किस प्रकार की तुच्छ जगह है, मैं यही रहना पसंद करूँगा, मैं नहीं आऊँगा इस ऐसे जगह पे जहाँ पे नरम नरम चूहे नहीं मिलते हो या केकड़ा नहीं मिलता हो दावत करने के लिए। अब हंस जो था वो तो आश्चर्यचकित हो गया। तो बात करने की बात तात्पर्य जो ये है इस बात में, कथा में दोस्तों, कि हंस और कोई नहीं है, भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो हमको रास्ता दिखा रहे हैं एक अच्छे जीवन के तरफ। मगर जैसे पहले भी आपको एक कथा सुनाई गई थी इंद्र का और ब्रह्मा जी का, जहाँ पे ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं पिगलेट्स के इसमें योनि में कि चलो चलो तुम्हारी इंद्र की गद्दी तुम्हारी इंतज़ार कर रही है, जबकि इंद्र बोलता है नहीं नहीं मैं तो इस कूड़े गंदगी में ही अपना जीवन बसर कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं आऊँगा, मेरा यहाँ पे उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है मेरे समाज के तरफ, मेरे घर वालों के तरफ। तो ब्रह्मा जी को उसको खींच के निकालना पड़ा उस योनि से। वैसे ही यहाँ पे हंस रूप में जो वैष्णव है, हम जैसे कौओं को समझा रहे हैं कि भैया इस कूड़े कचरे में तुम खा रहे हो, पड़े हो, सड़ रहे हो, और अनंत काल तक अगर तुमने नहीं जाना कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो प्रकृति के प्रभाव से, तीनों गुणों के प्रभाव से तुमको शरीर बदलते रहना पड़ेगा। ये जो संसार है इसको भगवद गीता में दो शब्दों में वर्णन किया है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम मतलब दुख का घर है ये, दुख आलयम, और अशाश्वतम का मतलब है ये नित्य नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। अगर हम यहाँ रहना भी चाहते हैं तो प्रकृति हमें यहाँ की मटेरियल ये व्यवस्था हमको रहने नहीं देगी, वो हमको शरीर बदलने पे मजबूर करेगी। एक ही फैमिली आप सोचिए रह पाओगे अनंत काल तक? नहीं, आपको वो फैमिली छोड़ के नेक्स्ट जो शरीर आप धारण करोगे उस फैमिली में आपको जाते रहना पड़ेगा, अलग 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 योनियों में घूमते रहना पड़ेगा। अगर हम हंस की बात सुनते हैं कि वैसी जगह है जहाँ पे खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत खाने पीने की व्यवस्था है, इच्छा मात्र से जो चाहिए वो मिल सकता है, अच्छी चीज़, बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ तो भगवान का रूप है, लावण्य है, गुण है, जिसको देखते ही कोटि कोटि कामदेव मर जाते हैं, मिट जाते हैं, तो और क्या चाहिए? ऐसे सुंदर श्याम सुंदर को देख के हम मोहित हो जाएं, बस यही तो ज़िंदगी का असली पर्पस है, यही एम ऑफ लाइफ है। तो ये इस कथा से हमको दोस्तों ये मॉरल मिलता है कि जब किसी को उच्चतम स्वाद का और उच्चतम आनंद का कोई अनुभव नहीं हुआ है तो वो इस प्रकार की कौए जैसी बात करता है। तो हमें आँख बंद करके भगवद गीता, जो भगवान के श्री मुख से स्वयं निकला है और शुद्ध भक्त हमें इसे समझा रहे हैं, तो हमको इसे एज इट इज़, जशी आहे तशी और यथा रूप में वैसे ही लेना है, अपने जीवन में उतारना है। अगर हम अपने आप को उस उच्चतम स्तर पर, उस उच्चतम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो, और इस जगत में, इस दुखमयी जगत में, अशाश्वत जगत में वापस वापस नहीं आना चाहते हैं।
तो, क्योंकि उधर जाने के बाद वापस आना इस दुखमय संसार में नहीं है, हम उधर के ही हो जाते हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार मेरे धाम में आने के बाद अर्जुन वापस वो इस दुखमय संसार में नहीं आता, ऐसे भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन को। ये था इस श्लोक का अर्थ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।